नमस्कार साथियों, आज देश के कोने कोने तक फैले अग्रवाल समाज के 18 गोत्रों के नाम पर हरियाणा के अग्रोहा यानी कि हिसार जिले में 25 किलोमीटर हिसार जिले से दूरी पर अग्रवाल समाज और अग्रवाल समाज के महाराजा अग्रसेन की पवित्र भूमि को विश्व स्तरीय भूमि बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर पर्यटन के जो अवसर हैं उन्हें भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। अगर बात करें हरियाणा समेत देश भर के अलग अलग इलाकों में फैले अग्रवाल समाज के 18 गोत्र हैं, जो कि महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्रों से अपनी उत्पत्ति को मानते हैं, जिनमें बात करें तो मित्तल, गोयल, अरीन, बंसल, पंडाल, बिंदाल, धारण, करग, गोइन, जिंदल, कंसाल, कुछल, मंगल, मर्दकुल, नांगल, तायल और तिंगल जैसे 18 गोत्र हैं जो अग्रवाल समाज के गोत्र हैं। इन 18 गोत्रों की उत्पत्ति भी हरियाणा के हिसार के अग्रोहा से मानी जाती है। प्राचीन युग की बात करें तो यहाँ पर महाराजा अग्रसेन के समय से अनेक ऐसे खंडर हैं और अनेक मिट्टी के नीचे दबे जो हजारों सालों पुराने टीले हैं, जिनकी खुदाई भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा पहले भी की जा चुकी है, उनके आधार पर ही यहाँ पर टीलों के नीचे से हजारों वर्षों पुराने इतिहास के संशय निकले हैं। अगर ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी सिटी दफन है, पूरा का पूरा शहर मिट्टी के नीचे दफन दिखाई दे रहा है। यह हरियाणा के हिसार के अग्रोहा में स्थित है। अगर बात करें महाराजा अग्रसेन की सबसे बड़ी प्रतिमा भी अग्रोहा में लगाई जाएगी और इस शहर को दो तरीके से डेवलप करने का काम किया जाएगा। पहली डेवलपमेंट ऐतिहासिक तथ्यों को संभाल करके और मिट्टी के नीचे जो दबे बात करें तो हड़प्पा कालीन जो तथ्य हैं उन तथ्यों को इकट्ठा करके इस शहर को डेवलप करने में सबसे ज़्यादा भूमिका मिलेगी। यहाँ पर पर्यटन के सुनहरे अवसर और जो व्यक्ति इतिहास में रुचि लेते हैं वो अग्रोहा की तरफ आने वाले समय में काफ़ी जल्द कूच करेंगे। दूसरा तथ्य, यह महाराजा अग्रसेन की जैसे भूमि है, यहाँ पर पुराने समय से काफ़ी काम होता रहा है। लड़ाई जो महाराजाओं की होती थी, अग्रसेन महाराज के समय में काफ़ी बड़ा राज यहाँ पर रहा, पूरे उत्तर भारत में उनका राज एक छत्र छाया में चला था। दूसरा तथ्य, इस ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ यहाँ पर नई डेवलपमेंट भी आने वाली है, यानी कि हरियाणा सरकार यहाँ पर अग्रोहा धाम की जो पवित्र भूमि है इस पर 18 नए सेक्टरों को डेवलप करने का काम करेगी और इन 18 के 18 सेक्टरों के नाम अग्रवाल समाज के 18 गोत्रों के नाम पर रखे जाएंगे, जिनमें सेक्टर वाइज इन 18 गोत्र को 18 सेक्टरों में डिवाइड करने का काम किया जाएगा, जिनमें मित्तल, गोयल, अरीन, बंसल, पंडाल, बिंदास, दारण, गरग, गोइन, जिंदल, कंसाल, कुछल, इसके बाद मंगल, मर्दकुल, नांगल, सिंगल, तायल और तिंगत जैसे गोत्र हैं। इन 18 गोत्रों के नाम पर हिसार के अग्रोहा में नए मास्टर प्लान को तैयार किया जाएगा और 18 गोत्रों के नाम पर 18 सेक्टरों के नाम को रखा जाएगा, ताकि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जो देश भर में अग्रवाल समाज ने देश की तरक्की में अपना योगदान दिया है, उनकी यादगार के लिए उनके जो शुरुआती दशक थे जहां से इन 18 गोत्रों की उत्पत्ति हुई, उसी की यादगार में 18 गोत्रों के आधार के नाम पर 18 सेक्टरों की डेवलपमेंट की जाएगी। अगर विश्व स्तरीय बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुविधा के लिए अग्रोहा के अंदर आवास केंद्रों को बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर धवनी संस्कृति के लिए अलग से भवन बनाने का काम होगा। बस स्टैंड को आधुनिक तरीके से डेवलप करने का काम किया जाएगा और यहाँ पर रेलवे स्टेशन और हिसार एयरपोर्ट, जिसका नाम भी
महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर रखा गया है, उन्हें भी पूरी तरह से तरीके से डेवलप किया जाएगा। आने वाले समय में हिसार का अग्रोहा गांव दो तरीके से डेवलप होगा, एक ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर और दूसरा फ्यूचर डेवलपमेंट के आधार पर। यहाँ पर आने वाले समय में पर्यटकों के बढ़ावे के लिए और महाराजा अग्रसेन के जीवन से जुड़े शुरुआती दशकों के लिए, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ से उन्होंने राज चलाया और समस्त उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में उनका एक छत्र राज रहा, उसे कायम और रखने के लिए भी इस पर काम किया जाएगा। और अग्रोहा के अंदर जो नए मास्टर प्लान का काम किया जाएगा, उन्हें इतिहास से जोड़ कर रखा जाएगा, यानी कि ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उन्हें बगैर मिटाए हुए फ्यूचर प्लानिंग पर ध्यान दिया जाएगा। अग्रोहा टीलों पर और खुदाई का काम किया जाएगा और हजारों साल से दफन पुराने शहरों को निकाल करके जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया जाएगा। हरियाणा के हिसार में अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पुरातत्व विभाग से लेकर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने खोज की और अनेक दफन हड़प्पा कालीन शहर निकल करके सामने आए हैं। अगर महाराजा अग्रसेन के इतिहास की बात करें तो दिल्ली के अंदर महाराजा अग्रसेन की बावड़ी, जिसे उग्रसेन बावड़ी के नाम से आप लोग जानते हैं, आपने अनेकों बार देखा होगा। उस बावड़ी से भी काफ़ी आगे तक महाराजा अग्रसेन का राज होता था, जिनमें हर जाति धर्म मजहब के लोग एक साथ में मिलकर के लड़ते थे और काम करते थे। इसी प्रकार यहाँ महाराजा अग्रसेन की भूमि और अग्रवालों का धाम कहे जाने वाले अग्रोहा को धार्मिक रूप से भी डेवलप करने का काम किया जाएगा। अग्रोहा के अंदर जो 18 सेक्टर डेवलप होंगे, 18 सेक्टरों की डेवलपमेंट के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी की जाएगी और यहाँ पर किसानों द्वारा की जो जमीन है उसे अधिग्रहण करके 18 सेक्टरों को बनाने का काम किया जाएगा। अगर अग्रोहा मास्टर प्लान की बात करें तो अग्रोहा को नए रोड और रिंग रोड की सौगात भी काफ़ी जल्द मिल सकती है, ताकि एक ग्रामीण प्रवेश या छोटे कस्बे का शहर काफ़ी विश्व स्तर पर अपनी पहचान को लेकर आए और यहाँ से उत्पन्न हुए अग्रवाल समाज के लोग, जो देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में फैले हुए हैं, वे अपने इतिहास से वाकिफ हो पाए और 18 गोत्रों ने देश के योगदान में, देश की तरक्की में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। ये 18 के 18 गोत्र सच में दिल से इन्हें सैल्यूट करने का भी मन करता है, क्योंकि इन 18 गोत्र के लोगों द्वारा पूरे भारतवर्ष और विश्व स्तर पर अलग पहचान कायम करने का मौका मिला है। जिन 18 गोत्र के मैंने नाम लिए हैं, आपने इन गोत्र को कभी न कभी सुना होगा। अगर आप भी अग्रवाल समाज से बिलोंग करते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार अग्रोहा धाम हिसार में ज़रूर जाएं और साथ ही 36 बिरादरी के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, महाराजा अग्रसेन के इतिहास से वाकिफ होने का काम जरूर करें। एक ऐसे महाराजा ने देश भर के अलग अलग कोणों में सभी लोगों को जोड़ने का भी काम किया था। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।